दोस्तों नई रेसिपी बनाने के लिए बने रहे मेरे साथ बिल्कुल रसोई पे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सदा की रसोई ब्लॉग में। तो बने रहे वीडियो में, आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ। ले लिए ककोड़ा। तो जी ककोड़ा है, आप क्या बोलते हैं आपके इधर, आप जरूर कमेंट करिए। तो हमारे इधर ककोड़ा बोलते हैं इनसे। तो ये मैंने ले लिए, तो आगे पीछे डंडी हटा दी। तो एक तो पानी ले ला, तो पानी में पहले उन्हें सेक धोऊंगी। पहले सेक धोने से क्या उनमें रेता भरी रहती है या कुछ रहती है कचरे वचरे, तो वो पहले निकल जाए। तो अच्छे से मैं सेक धो लेती हूँ ऐसे, बहुत मसल मसल के धोना है। तो ये अच्छे से साफ हो गए, हमने धो लिए। तो धो लिए, अब इस तरीके से अब हम इन्हें काटेंगे। तो धो कर रख लिए, तो अब काट लेते हैं। अंदर इनमें बीजा निकलेंगे छोटे छोटे, तो ये बीजा निकाल देना है और ये से काट लेंगे। तो चलो काट लेंगे ऐसे सारे। तो मैंने काट लिए इन्हें, काटने में थोड़ा सा टाइम लगा। और काटने के बाद फिर एक बार और धो रही हूँ। तो एक बार धो लूंगी अच्छे से उसे दो पानी में, थोड़े ज्यादा पानी ले लेके धोना तो अच्छे जो कि साफ भी हो जाते हैं बहुत अच्छे से। अब इतने कड़ाई गैस चालू करके कढ़ाई रख देंगे, तो कढ़ाई सूख रही है। इतने प्याज हमने काट ली थाली में, तो दो चार हरी मिर्ची काटेंगे साथ में। तो हरी मिर्ची पतली पतली ये काट ले रहे हैं। तो कढ़ाई गर्म हो रही है, पानी उसमें भरा बहुत सारा। मैंने पीस के भी रखी है हरी वाली, तो जो हरी मिर्ची मैंने पीस के रखी इसलिए दो मिर्ची खड़ी काटी है ऐसे। तो तेल गरम हो गया, तो मैं मिर्ची और लहसुन डाल दी। मिर्ची और लहसुन मैंने डाल दिया, तब प्याज भी डालूंगी साथ में। तो सारे जिन्हें अच्छे से गोल्डन होने तक भून लूंगी। ये देखिए, तो अच्छे से चला दूंगी और सही से गोल्डन हो जाए जब तक इन्हें भूनना है। तो दोस्तों लहसुन प्याज हरी मिर्ची भून गई, तो अब डालूंगी कुटी हुई हरी मिर्ची। तो ये जो कूट कर रख ली थी मैंने हरी वाली मिर्ची है, तो ये अच्छे से भून गई ये भी। तो अब डालती हूँ टमाटर धनिया मिर्ची हल्दी और नमक साथ में। इसको डाल दिए मैंने साथ में, तो अब ये अच्छे से गोल्डन होने तक बहुत अच्छे से भूनना है जब तक मसाले से तेल अलग ना होने लगे। तो चलो ढाल देते हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो टमाटर गल गया, तो अब डालेंगे ककोड़ा। तो ककोड़ा बोलते हैं कोई छोटा, तो हमारे जो ककोड़ा बोले इसे करेला के छोटा भाई है ककोड़ा। तो करेले जैसे रहते हैं सेम, मतलब कड़वे नहीं लगते हैं ये और ऊँचे रहते हैं और छोटे छोटे रहते हैं इस तरीके से। तो अच्छे से चलाते रहेंगे बीच बीच में और अच्छे एक से दो मिनट तक इन्हें पकाएंगे ढक के। देखिए पक गई सब्जी बहुत बढ़िया सी ककोड़ा। देखिए तो हमने गैस को कर दिया बंद, तो अब लगाते हैं थाली। चलो थाली ला के तैयार करते हैं फटाफट से। इसको ढक्कन लगाते हैं, इधर रोटी देते हैं। दोस्तों थाली हमने लगा ली और बना ली ककोड़ा की सब्जी। आप कौन कौन खाते हैं, किस किस को पसंद है आप ककोड़ा की सब्जी, जरूर जरूर कमेंट करके बताइए। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो खाती हूँ, इसलिए मैंने मंगाई और बनाई आप तक पहुंचाई। तो फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।